इच्छा के साथ वो एक भारतीय जनता पार्टी के दल में आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मान सम्मान किया, फिर भी उनको वो मान सम्मान हजम नहीं हुआ, तो उनका हाजमा खराब है। कांग्रेस पार्टी में गए हैं, हुड्डा जी ने पहले उसका सिर फोड़ने का काम किया था, अब फिर उनका दोबारा से सिर फोड़ने का काम हुड्डा जी करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से बात करें, हरियाणा में चुनाव है और जिस प्रकार से 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो मुकाबला जो है हरियाणा में कहाँ देखते हैं, कांग्रेस का बीजेपी का है या फिर किसी और का? हरियाणा प्रदेश में एक तरफा माहौल आज भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस कई मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस के कुछ लोग ढोल पीटने का काम, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस ने इसी प्रकार से ढोल पीटने का काम किया था, और जब रिजल्ट आए थे तो स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, उसी प्रकार से हरियाणा में वो इतिहास दोहराया जाएगा। बाबू का नाम करूंगा फैसला लिया है नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, तीसरी बार स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी जिसे 2024 को विधानसभा चुनाव में लगातार पूरे प्रदेश भर में जिम्मेदारी रही और काफी बड़े स्टार प्रचारक, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हैं, वो लगातार आए, किस प्रकार से सिनेरियो जो है बदल पाए, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इस बार जो है हरियाणा में बदलाव हो रहा है। ये कांग्रेस वाले ठीक कह रहे हैं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और कांग्रेस के लोग खुद ही कहने लगे अब तो कांग्रेस की, तो उन्होंने वोट ही नहीं मांगी, वोट भी पता नहीं था इसकी मांग करते उन्होंने मेरा में, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की वोट मांगी, हरियाणा की जनता ने मन बना लिया, आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस प्रकार से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये हरियाणा का स्वभाव रहा है, जिसकी सरकार दिल्ली में जिस पार्टी की होती है उसी पार्टी की सरकार हरियाणा में होती है, और ये हरियाणा की जनता इस इतिहास को दोहराने का काम है। अध्यक्ष जी, अशोक तंवर एक बार फिर पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, कांग्रेस का दामन थामा है, क्या देखते हैं कि पहले कांग्रेस में थे, कहीं ना कहीं मन मिटा हुआ, फिर बीजेपी में आए और फिर दोबारा वहीं चले गए? कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और उनकी घर वापसी हुई है ना, वो दोबारा से घर वापसी हुई है और उनकी राजनीतिक सोच है, जब छोटी सोच से जब आदमी कोई राजनीति करता है तो उसके साथ ऐसे ही होता है, और जिस इच्छा के साथ वो एक भारतीय जनता पार्टी के दल में आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मान सम्मान किया, फिर भी उनको वो मान सम्मान हजम नहीं हुआ, तो उनका हाजमा खराब है। कांग्रेस पार्टी में गए हैं, हुड्डा जी ने पहले उसका सिर फोड़ने का काम किया था, अब फिर उनका दोबारा से सिर फोड़ने का काम हुड्डा जी करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से बात करें, हरियाणा में चुनाव है और जिस प्रकार से 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो मुकाबला जो है हरियाणा में कहाँ देखते हैं, कांग्रेस का बीजेपी का है या फिर किसी और का? हरियाणा प्रदेश में एक तरफा माहौल आज भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस कई मुकाबले में नहीं है, कांग्रेस के कुछ लोग ढोल पीटने का काम किया है, कुछ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस ने इसी प्रकार से ढोल पीटने का काम किया था, और जब रिजल्ट आए थे तो स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, उसी प्रकार से हरियाणा में वो इतिहास दोहराया जाएगा। अध्यक्ष जी, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, 5 तारीख वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो? मैं हरियाणा प्रदेश के तमाम 2.5 करोड़ वोटरों से अपील करूंगा कि वो अपने मत का 2% प्रयोग करें, मत का प्रयोग करें देश को और प्रदेश को मजबूत करने के लिए, कमल के फूल का बटन दबाकर स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने का। राहुल गांधी एक बार फिर जो है संविधानी कॉपी हाथ में लेकर लगातार घूम रहे हैं, हालांकि सोनीपत में पहुंचे, क्या मानते हैं कि कुछ सिनेरियो बदल पाए गए हैं, या जिस प्रकार से प्रचार हुआ लोकसभा में यही प्रचार हुआ था? राहुल
राहुल गांधी की सोच और राहुल गांधी की जो नीयत है वो जब विदेश में जाते हैं तो वो स्पष्ट है, वहां पर प्रकट होती है। जब जब भी वो नानी के घर गए किसी प्रकार की जानकारी और जब कोई भी बात है, जब यहाँ चुनाव होता है तो उसको नानी की याद आ जाती है और वहां जाके उसने जनप्रांति एस सी समाज के लिए, एस टी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए जो बयानबाजी की है, आरक्षण को खत्म करने की बात जो कांग्रेस ने कही है, वो कांग्रेस के जो मन की बात थी जो कर रही है। और हरियाणा प्रदेश की जनता एस सी एस टी समाज और ओबीसी समाज इसी विधानसभा चुनाव में उसका जवाब देगा। सर, घर खुदा में 15 साल से कांग्रेस का विधायक रहा है और खासतौर पर इस बार क्या सिनेरियो देखते हैं, क्योंकि खुद भी आप अभी प्रचार रैली में जो है शामिल थे, क्या कौन सा ये बहुत लंबे समय से भारी उम्मीदवार यहाँ जीतता रहा है और घर खुदा की जनता आपकी बार अपने भाई को, अपने बेटे को, पवन घर खुदा को यहाँ से जिता के कमल का फूल खिलाने का काम। देखिए, लोगों का भरपूर जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी समय समय पर हर बार हमारे नामांकन पर पहुंचे, बीच में भी हमारी रैली थी उसमें भी शिरकत की और आज बाइक रैली का एक भव्य आयोजन किया गया माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में, और लोगों ने एक स्पष्ट बदलाव का संकेत दिया है कि अब की बार खरखोदा में इतिहास रचने का काम एक एक बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथी और हमारी मातृशक्ति करने जा रही हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर कमल का फूल बड़े मैंडेट के साथ खिलने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत दी।